हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन और बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। ऑल्दो ये ट्रेलर स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड क्रेडिट के रूप में थिएट्रिकली रिलीज पहले ही कर दिया गया था, बट प्रॉपरली यूट्यूब पे अब जाके आया है, जो कि मौका देता है मुझे एक एक फ्रेम रिव्यू करके हिडन डिटेल्स ढूंढने का। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक टोटली वास्ट मल्टीवर्स से जूझती मूवी है, जो कि लोकी की इवेंट्स को भी लिंक करती दिख सकती है। और ना ही सिर्फ इसमें न्यू सुपर हीरोज एमसीयू को ज्वाइन करते दिखेंगे, बल्कि न्यू सुपर विलन्स भी इसी के थ्रू एमसीयू वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी नहीं देखी है तो स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इस ट्रेलर ब्रेकडाउन में आपको कुछ स्पॉइलर्स तो जरूर मिलेंगे। ऑल्दो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि नो वे होम के मिनिमम स्पॉइलर्स हो और सिर्फ वही पॉइंट्स हो जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ट्रेलर का ब्रेकडाउन और फ्रेम बाय फ्रेम ढूंढते हैं सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स। Stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर ट्रेलर शुरू होता है स्ट्रेंज के डायलॉग से, जो उसने बोला था स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर से। साथ ही वोंग का वॉइस ओवर जो उसे उस स्पेल को यूज करने से मना करता है। बट अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी देखी है तो मूवी में ये डायलॉग वोंग कभी कहते दिखाई नहीं, और ट्रेलर सीन में स्ट्रेंज वोंग को ये कहते हुए भी दिखता है कि वो ये स्पेल कास्ट नहीं करेगा। तो मूवी में ये सीन क्यों नहीं था? पहली पॉसिबिलिटी है कि एडिटिंग में ये सीन डिलीट कर दिया गया, जो कि जनरली किया जाता है ट्रेलर्स में से फेक सीन्स रख के ऑडियंस को गुमराह करने के लिए, जो बात मैं अपने पिछले कई ट्रेलर ब्रेकडाउन्स में भी कर चुका हूँ। बट यहाँ इस सीन को मूवी में अगर कट कर दिया गया है तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में क्यों इसका वॉइस ओवर रखा गया है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये सीन स्पाइडरमैन नो वे होम का नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ही है, यानी कि जो ये वॉइस ओवर हम सुन रहे हैं और जो सीन हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में देखा था, वो शायद उस एग्जैक्ट सिचुएशन का ही है बट एमसीयू यूनिवर्स का नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स का। और अगर ऐसा होता है तो इस मूवी में हमें सिर्फ दो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि कई मल्टीपल वर्जन्स देखने मिल सकते हैं, ना ही सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज के बल्कि सभी कैरेक्टर्स के जो इस मूवी से जुड़े हुए हैं। अगले कुछ सीन्स में हमें कुछ कैंडल्स हवा के झोंके से बुझती हुई दिखती हैं। ये वही जगह लग रही है जहां आगे ट्रेलर में वांडा बैठी हुई दिखती है कोई स्पेल यूज करते हुए, जो कि उसके आसपास की कैंडल्स से पता चल रहा है। फिर हमें दिखती है स्ट्रेंज की टूटी हुई वॉच, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की सोलो मूवी में देखा था। अब स्ट्रेंज अपने एक्सीडेंट से पहले तक एक मटेरियलिस्टिक इंसान था, जिसके महंगे शौक में से एक था महंगी घड़ियां रखने का, जो शौक ऑफकोर्स उसके एक्सीडेंट के बाद उसके हाथों की हड्डियों की तरह ही चकनाचूर हो गया था। बट हाँ, ये घड़ी यहाँ सिर्फ स्ट्रेंज की बैक स्टोरी को ही रिप्रेजेंट नहीं करती, शायद ये हमें दिखा रही है इस मूवी में आगे चल के होने वाली इवेंट्स की एक झलक कि कैसे स्ट्रेंज की एक गलती की वजह से मल्टीवर्स की टाइमलाइन भी ऐसे ही टूट चुकी है। बढ़ते हैं ट्रेलर में आगे। I never meant for any of this to happen. अब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखता है एक बिल्डिंग के गेट से बाहर आते हुए, जहां उसे दिखती है न्यूयॉर्क सिटी की बिल्डिंग्स एक अजीब से तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए। ये सीन इस मूवी के प्लॉट पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह की कुछ इवेंट्स हमें डिज्नी प्लस के व्हाट इफ में भी देखने मिली थी। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के वॉइस ओवर में हमें दिखते हैं कुछ और सीन जहां वो कहता है कि इट वॉज द ओनली वे, जो कि सिमिलर लगता है उसके इन्फिनिटी वॉर के डायलॉग देयर वॉज नो अदर वे से। और वो आगे कहता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, जो डायलॉग एक्चुअल में व्हाट इफ के फोर्थ एपिसोड के क्लाइमैक्स सीन का एग्जैक्ट डायलॉग है। अगर आपने डिज्नी प्लस की व्हाट इफ सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि ऐसा ही कुछ इंसिडेंट व्हाट इफ सीरीज के फोर्थ एपिसोड में हमें देखने मिला था, जहां अल्टरनेट यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों की जगह अपनी गर्लफ्रेंड को खो देता है और उसके बाद बार बार उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि एंशियंट वन के थ्रू हमें पता चलता है कि उस यूनिवर्स में क्रिस्टीन की डेथ एक नेक्सस इवेंट है जिसे कुछ भी करके चेंज नहीं किया जा सकता, जिसके एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को जिंदा करने के चक्कर में अपने यूनिवर्स को ही खत्म कर देता है। और मुझे इसी वजह से लगता है कि हमें मिसडायरेक्ट किया जा रहा है इस ट्रेलर में कि ये सभी बातें स्पाइडरमैन नो वे होम की इवेंट्स के स्पेल को लेके हो रही है। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये जरूर अल्टरनेट यूनिवर्स के स्ट्रेंज सुप्रीम के डायलॉग्स हो सकते हैं जो उसने किसी लव्ड वन को लूज करने के टाइम कहे हैं।
फिर हमें दिखता है स्ट्रेंज सैंक्टम के स्टेप्स पर, जहां हमें दिखता है फ्लोर पे पड़ा पानी जो कि ठीक राइट साइड में खुले पोर्टल की वजह से है। और ऐसा ही ब्रोकन वॉल वाला पोर्टल हमें लेफ्ट की तरफ भी दिखता है। जैसा स्पाइडरमैन नो वे होम में वॉन्ग ने मेंशन किया था कि सैंक्टम का एक गेटवे साइबेरिया से कनेक्ट होता है, जिस वजह से सैंक्टम में बर्फ पहुंची थी। हो सकता है कि वैसे ही कुछ सिमिलर चीज यहां इस सैंक्टम में भी हुआ है। फिर हमें दिखता है डॉक्टर स्ट्रेंज उसी ग्लास वॉल के सामने खड़ा जहां वो मोस्टली खड़ा दिखता है। यहां वीडियो के कलर ग्रेडिंग दोनों ही सीन्स में डार्क है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये स्ट्रेंज सुप्रीम ही है जिसका वॉइस ओवर हम सुन रहे हैं। फिर हमें दिखती है वांडा अपने क्योस मैजिक समन करते हुए, जो कट टू हमें लेके जाता है क्रिस्टीन पाल्मर के ऊपर, जहां चर्च में वो वेडिंग ड्रेस में दिखती है और स्ट्रेंज ग्रूम की जगह नहीं बल्कि गेस्ट में खड़ा दिखता है। और उसके साथ खड़ा उन दोनों का कलीग डॉक्टर निकोडेमस वेस्ट है, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जिसे स्ट्रेंज अपनी वॉच कवर करने के लिए कहता है ऑपरेशन के टाइम। नेक्स्ट के सीन में हमें दिखता है एक क्रो जो एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता दिख सकता है मूवी में, जो कि है मॉर्गन ले फे, जो कि एक सी प्रिंसेस और सॉर्सरर थी मार्वल कॉमिक्स में। वहीं माइथोलॉजी में मॉर्गन ले फे को क्रो गॉडेस के नाम से भी जाना गया है। तो हो सकता है कि यहां एक और इविल कैरेक्टर एंट्री करता दिखे एमसीयू में। फिर हमें दिखती है अमेरिका शेवेज, जो कि न्यू एवेंजर के रूप में एमसीयू को ज्वाइन करती दिखेगी। यहां वो कमरताज के सैंक्टम में दिखती है और आगे के कुछ सीन्स में हमें वो फिर से दिखती है जब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा और उसके साथ स्पेस में होते हैं। और एक और सीन में जहां डॉक्टर स्ट्रेंज बस को दो पार्ट में कट करता है, तब भी अमेरिका शेवेज उसके पीछे ही खड़ी होती है। अमेरिका शेवेज यानी कि मिस अमेरिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुकी है यंग एवेंजर्स की टीम का। कॉमिक्स में अमेरिका शेवेज बिलोंग करती थी एक प्लैनेट फ्यूरटोना से, जिसने कॉस्मिक पावर्स अब्सॉर्ब करके एक सुपर हीरो एबिलिटी हासिल कर ली थी, जो कि उसे इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाती है कि वो एक पंच से कई इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स ओपन कर सकती है। और कॉमिक्स के हिसाब से जब मिस अमेरिका पोर्टल्स ओपन करती थी तो वो सॉर्सरर्स के राउंड शेप की जगह स्टार शेप के होते थे, जिसकी वजह से उसके कॉस्ट्यूम पे हमें स्टार भी दिखता है। और शायद ट्रेलर के एक सीन में हमें वो स्टार शेप पोर्टल दिख भी रहा है। और हो सकता है कि एमसीयू के स्ट्रेंज की हेल्प के लिए किसी और यूनिवर्स से मिस अमेरिका इस यूनिवर्स में आई है। फिर हमें दिखता है वोंग, जिसके हाथ बंधे हुए हैं और उसे बहुत चोट लगी हुई है, जो कि अगेन 100% बताना बहुत मुश्किल है कि कौन से यूनिवर्स का वोंग है, क्योंकि मल्टीवर्स। फिर हमें दिखता है मार्वल का लोगो, जिसमें कि वांडा विजन के लास्ट एपिसोड की तरह पर्पल कलर फिर से दिखता है, जो कि उस सीरीज से हमें पता है कि रिप्रेजेंट करता है अगाथा के डार्क मैजिक को, जो डार्क मैजिक इस मूवी में भी बहुत ज्यादा यूज होते हुए दिखेगा। बढ़ते हैं ट्रेलर में आगे। Wanda. Well, I knew sooner or later you'd show up. I made mistakes, and people were hurt. I'm not here to talk about Westview. Then what are you here for? I need your help. With what? What do you know about the multiverse? अब हमें दिखता है वांडा का घर, जो कि या तो एक नई लोकेशन पे है या फिर वेस्ट व्यू की तरह वांडा ने यहाँ भी अपने क्योस मैजिक से पहाड़ गायब करके प्लेन्स एरिया बना दिया है। यही डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलता है और उसके वेस्ट व्यू के इंसिडेंट की बात करने पे उसे रोकता है कि वो उसकी वजह से यहाँ नहीं आया है, बल्कि उसकी हेल्प मांगने आया है उससे ये पता लगाने कि उसे मल्टीवर्स के बारे में क्या पता है। जब हमने लास्ट टाइम वांडा को देखा था, तब वो अगाथा का मैजिक छीन के स्कारलेट विच बन गई थी और अपने क्योस मैजिक को एंड करके उसने बाकी दुनिया से दूर अपना घर बनाया, जहाँ वो अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू अगाथा से छीनी हुई डार्क होल्ड बुक को स्टडी करते दिखी थी, जिसके थ्रू उसने शायद अपने दोनों बेटे बिली और टॉमी की दूसरे यूनिवर्स से आवाज भी सुनी थी। इसके अगले ही सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा और मिस अमेरिका दिखते हैं एक डोर के थ्रू स्पेस में, जहां उनके सामने एक एंशियंट रून्स टाइप का कुछ दिखता है, जो कि शायद धीरे धीरे ब्रेक होता जा रहा है। स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को रून्स के बारे में बताते टाइम ये कहता है कि ये जगह ऐसे स्पेल्स करने के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जीज के इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनी है। हो सकता है कि ये लोकेशन भी ऐसी कोई लोकेशन हो जो कि इस मल्टीवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। बढ़ते हैं ट्रेलर में आगे। I'm sorry, Steven. I hope you understand. The greatest threat to our universe. फिर हमें दिखता है कार्ल मोडो, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट के एंड में विलन बनते हुए देखा था। उस मूवी में जब मोडो रियलाइज करता है कि एंशियंट वन डार्क मैजिक की वजह से इतने सालों तक जिंदा थी, तो उसका सॉर्सरियत से भरोसा ही उड़ जाता है और वो नहीं चाहता कि इस दुनिया में और ज्यादा सॉर्सर्स हो। अब एक्चुअल में जब वो मल्टीवर्स के मल्टीपल डॉक्टर स्ट्रेंज देख के क्या करने वाला है, वो आगे जाके ही पता चलेगा। फिर हमें दिखते हैं स्ट्रेंज और वोंग बाकी सभी सॉर्सरर्स के साथ कमरताज में किसी बड़े तूफान से फाइट करने के लिए, और वांडा दिखती है अपनी स्कारलेट विच के कॉस्ट्यूम में कोई स्पेल
हेल या फिर शायद डार्क होल स्टडी करते हुए। एक और सीन में हमें दिखता है फिर से कमरताज पे अटैक होते हुए, जहाँ एक ब्लास्ट में बहुत सारे सॉर्सरर्स गिरते हैं। यहाँ अगर आप स्लो मोशन में और पॉज करके देखोगे तो एक हॉर्न्स वाला सॉर्सरर भी दिखता है। ये मार्वल कॉमिक्स की एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल प्लैनेट रवाल का एक ग्रीन स्किन मिनोटॉर रिंथ्रा है, जो कि कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज से तब मिलता है जब वो क्लोक ऑफ लेविटेशन को फिक्स करके डॉक्टर स्ट्रेंज को देने इस यूनिवर्स में आता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल वर्जन में रहने के लिए फोर्स्ड हो जाता है और उसे रिंथ्रा की बॉडी यूज करनी पड़ती है खुद की बॉडी हील होने तक। मतलब ऑल इन ऑल रिंथ्रा डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करता है इवल मिस्टिकल बींग्स से फाइट करने में। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टॉयज के थ्रू हमें ऑलरेडी पता है कि इस सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज के तीन वेरिएंट्स, एक एक्चुअल हमारे एमसीयू यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज, एक एस्ट्रल डॉक्टर स्ट्रेंज और एक डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल है। साथ ही मोर्डो, वोंग, मिस अमेरिका और रिंथ्रा के भी टॉयज हैं। तो रिंथ्रा भी मूवी में एस्ट्रल डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करते हुए दिख सकता है। फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखता है कोई स्पेल समन करते हुए, जहां उसके हाथों से रेड एनर्जी निकलती दिखती है। इसी तरह की सिमिलर एनर्जी व्हाट इफ के एपिसोड में भी हमें देखने को मिली थी, जब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन के क्रिएचर्स को समन करके उनकी पावर्स अब्सॉर्ब करते हुए दिखा था। जो कि मुझे वापस लेके आता है उसी पॉइंट पे कि ये जो ट्रेलर हम देख रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द सीन्स, वॉइस ओवर और स्टोरी डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि स्ट्रेंज सुप्रीम की हो सकती है, क्योंकि इसी के ठीक अगले सीन में हमें देखने मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी डार्क मैजिक की पावर्स यूज करते हुए, जहां उसके साथ में मिस अमेरिका और वोंग भी खड़े दिखते हैं। उसकी डार्क मैजिक से वैसे ही क्रिएचर्स निकलते हैं जैसे हमने व्हाट इफ में उसे अब्सॉर्ब करते हुए देखा था। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है एक एक्चुअल डार्क डायमेंशन का क्रिएचर हमारे यूनिवर्स में, जो कि व्हाट इफ में भी दिखा था। और मार्वल टॉयज के हिसाब से इस क्रिएचर का नाम क्लियर कर दिया गया है, जो कि है गार्गेंटोस। गार्गेंटोस मार्वल कॉमिक्स में एक सी मॉन्स्टर था जिसे नमोर की कॉमिक्स में देखा गया था। नमोर द सबमरीन रिनर को अवेंजर्स एंडगेम में एक हिंट भी मिली थी जब ओकोए ओशियन के अर्थक्वेक की बात करती है। इट्स एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन, वी हैंडल इट बाय नॉट हैंडलिंग इट। अब मूवी में नमोर दिखता है कि नहीं वो तो श्योर नहीं है, बट इस मूवी का क्लाइमैक्स म्यूटेंट्स को जरूर एमसीयू से जोड़ सकता है। बढ़ते हैं ट्रेलर में आगे। इज यू थिंग्स जस्ट गॉट आउट ऑफ हैंड। और फाइनली मोर्डो के वॉइस ओवर में ये कहते हुए कि इस यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट थ्रेट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद है। और हमें फर्स्ट लुक मिलता है स्ट्रेंज सुप्रीम का, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और स्ट्रेंज सुप्रीम खड़े दिखते हैं एक रूम में, जिसके बाहर स्पेस में हमें एक ब्लैक होल जैसा तूफान उनकी तरफ बढ़ता दिखता है, जो कि मेरे हिसाब से हो सकता है लोकी सीरीज में दिखा वॉइड, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि ये जिस जगह पे है वो एंड ऑफ टाइम है। मतलब कि ये भी पॉसिबल है कि इस मूवी में हमें लोकी का वेरिएंट सिल्वी भी दिख सकती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये ट्रेलर हमें हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह स्ट्रेंज सुप्रीम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है, तो ये भी क्लियर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को अच्छे से समझने के लिए हमें ना ही सिर्फ वांडा विजन सीरीज बल्कि लोकी सीरीज और व्हाट इफ सीरीज की स्टोरी और इवेंट्स भी अच्छे से पता होने चाहिए। बाय द वे, मैंने इन सभी सीरीज के ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप कार्ड से उन्हें चेकआउट कर सकते हो। इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।